चुनाव के समय आदिवासी याद आता है, चुनाव जाने के बाद आदिवासी वनवासी हो जाता है। आदिवासी के लिए चुनाव के बाद कोई योजना जमीनी धरातल स्तर पर कभी नहीं लागू की भाजपा ने। आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा समस्या हमारा पलायन का, रोजगार के लिए यहाँ का आदिवासी समुदाय हमेशा गुजरात के अंदर पलायन करता है। अशोक गहलोत की सरकार के अंदर ऐसी बहुत सारी योजना आई जिनसे पलायन रोका गया था, पर वर्तमान में जो भाजपा की सरकार इधर आई है तो कोई भी जमीन पर ऐसी योजना नहीं आई है जो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के पलायन को रोक सके। नरेगा में 100 दिन से ऊपर का रोजगार गहलोत सरकार ने मुहैया कराया। बांसवाड़ा जो ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हरिदेव जोशी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा माही डैम का निर्माण कराया गया। पूरे आदिवासी विस्तार के अंदर एक नहरी तंत्र का जाल बिछाया गया। माही की परियोजना से लाखों आदिवासी अपने खेतों की सिंचाई कर कर अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। देश के लोगों को, आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तो बना दिया, मंदिर में निमंत्रण नहीं, संसद में निमंत्रण नहीं। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर देश के आदिवासियों को गुमराह करने की एक साजिश थी भाजपा की, वो कभी सफल नहीं होगी। देश का आदिवासी पढ़ा लिखा जानकार है, राहुल गांधी की मोहब्बत की यात्रा के कारण भाजपा का जो नफरत का मुद्दा है आज वो मिटने पे आ गई है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान सदियों तक चलती रहेगी और भाजपा का नफरत का मुद्दा कभी नहीं बन पाएगा।